अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वापडा में बहुत ही शानदार जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पूरे पाकिस्तान से मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी पोजीशंस हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, ये तमाम डिटेल्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल एजुकेशन अपडेट्स पर नए हैं तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड बटन मिल जाएगा, उसे प्रेस करें। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली जॉब्स एंड एजुकेशनल अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट ओपन करूंगा और यहां पर आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट ओपन हो चुकी है। जल्दी जल्दी से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी पोजिशन है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली पोजिशन है जूनियर इंजीनियर सिविल कैटेगरी में, 17 स्केल है। पूरे पाकिस्तान में 38 पोजिशन हैं और डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपने बीएससी सिविल इंजीनियरिंग किया हो, ठीक है, या फिर डिप्लोमा हो, साथ में एक्सपीरियंस हो, साथ में बताया हुआ है एचईसीएस, सॉरी यहाँ पर आप जो है वो उसके लिए जो है वो डीए डिप्लोमा बेस पे जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। आप जो है वो बीएससी सिविल इंजीनियरिंग बेस पे अप्लाई कर सकते हैं बीई, और यहाँ पर वो आपकी जो डिग्री है वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से जो है वो रिकोगनाइज होनी चाहिए, हायर एजुकेशन कमीशन से, या फिर ओके 21 से 33 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोजीशंस बताई हुई हैं कहाँ कहाँ पर कितनी हैं, यानी सुपरवाइज, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन है जी जूनियर जियोलॉजिस्ट है जी, 17 स्केल, 5 पोजीशन, एमएससी जो है वो जियोलॉजी सेकेंड ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोजिशन है जी जूनियर सेस्मोलॉजिस्ट, ठीक है, जिसे आप जियो फिजिस्ट भी कहते हैं, 17 स्केल है, 7 पोजिशन है, एमएससी जियो फिजिक्स और इसमें सेमोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं, और कंप्यूटर का जो नॉलेज रखते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, साथ में होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन है जूनियर इंजीनियर, ठीक है, एग्रीकल्चर लाइन में, 17 स्केल है, 4 पोजीशंस हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वायरमेंट में 17 स्केल है, 3 पोजीशन हैं, मास्टर डिग्री फर्स्ट ईयर के अंदर होनी चाहिए, साइंस, इकोलॉजी, फॉरेस्ट्री, नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट या फिर बीएससी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, यहाँ पर, ठीक है, साथ में कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। नेक्स्ट पोजीशन है रिसर्च ऑफिसर, 17 स्केल है, 1 पोजीशन है, एमएससी फिजिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर, बीएससी सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन है रिसर्च ऑफिसर ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी, 17 स्केल है, 1 पोजीशन, एमएससी फिजिक्स फर्स्ट ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोजीशन है असिस्टेंट डायरेक्टर इकोलॉजी, 17 स्केल, 2 पोजीशन है, मास्टर डिग्री बॉटनी जूलॉजी बायोडिवर्सिटी इकोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। रिसर्च ऑफिसर है स्टैट मैथ के लिए, 17 स्केल है, 1 ही पोजीशन है, एमए एमएससी इन स्टैट मैथ फर्स्ट ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पे पोजीशन है जी, और साथ में यहाँ पर आप देखते जाइएगा, सामने लिखा हुआ है कि यहाँ पर सिर्फ जो है वो पंजाब वाले ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाली पोजिशन के अंदर बताया हुआ है पूरे पाकिस्तान से अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है यहाँ पर हमारे पास असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर वाटर केमिस्ट के हवाले से, अब ये 16 स्केल स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे देखें, ये सारे असिस्टेंट है और उनकी कैटेगरीज बताई हुई हैं, ये 16 स्केल है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, और इसके रेलेवेंट जो है वो क्वालिफिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर है एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी एंड लैंड यूज स्टडीज, 16 स्केल, 1 पोजीशन, एमएससी सेकंड ईयर इन एग्रीकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ गए जी सब इंजीनियर सिविल में, 14 स्केल है, 34 पोजीशन हैं, और इसके लिए जो है वो 3 ईयर जो डिप्लोमा होता है डीएई का सिविल टेक्नोलॉजी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से जो है वो कर सकते हो, और एफिलिएटेड होना चाहिए बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से, मस्ट पॉसेस बेसिक क्वालिफिकेशन डीएई सिविल, ठीक है, इसमें भी पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब ये तमाम पोजिशन हैं जो कि वापडा में अनाउंस की गई हैं। अब बात कर लेते हैं अप्लाइंग प्रोसीजर के हवाले से, वो कह रहे हैं कि आप वापडा से जाकर भी जो है वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई होगा पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस के थ्रू, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में पीटीएस भी कहते हैं, ठीक है। ये कुछ इन जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई होगा, बजरिया डाक आपको डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है, एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो देन आपने एनओसी भी साथ में अटैच करना है। टेस्ट या इंटरव्यू पर आने वाले लोगों के लिए टीएडीए यानी सफरी अखराज नहीं दिए जाएंगे। यहाँ पर देखिए जी 15 डेज है जी एडवर्ट, आज ये पोस्ट हुई है तो इस हिसाब से जो है वो 17 ही जुलाई बनती है तकरीबन, मैंने थंबनेल के ऊपर जो है 17 जुलाई लिखा है, एक दिन ऊपर नीचे हो सकता है,
हार्ड कॉपी में एप्लीकेशन फॉर्म नहीं जाएगा, फी टेस्ट फी है 170 रुपए, जो आप इजी पैसा के थ्रू भी घर बैठे जो है वो जमा करवा सकती हैं। जो फी आप जमा करवाएंगे वो आपको नॉन ट्रांसफरेबल यानी वापस नहीं मिलेगी, नॉन रिफंडेबल, ठीक है। और आपको जो है वो पीटीएस की तरफ से रोल नंबर स्लिप के हवाले से जो है वो मैसेज रिसीव हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करने हैं। सिंपल, आप मोबाइल यूजर हैं, पीसी यूजर हैं, आपने जो है वो अपना ब्राउजर ओपन करना है, वहां पर जाकर लिखना है जी पीटीएस, pts.org.pk, पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस की ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी। सिंपल यहां आपने ऑल जॉब्स के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, एड आएगा उसे क्लोज कर देना है। तो यहां पे देखिए ऑल प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। अब यहां पर फिलहाल वापडा नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये आज ही वापडा की तरफ से एडवर्टाइजमेंट आई है, आज इन्होंने अनाउंसमेंट की है, आज रात 12 बजे के बाद जो है यहाँ पर ये प्रोजेक्ट अपडेट हो जाएगा। सिंपल आपने व्यू डाउनलोड्स के ऊपर यानी उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, वहां पर आपको आ जाएगा यहाँ पे व्यू एंड अप्लाई, इस तरह क्लिक करना है, साइन अप करना है, फिर साइन इन करना है, उसके बाद आपने जो है वो तमाम तरह रिक्वायरमेंट्स फिल करके ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, मेरे चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मजीद ऐसी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।